हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूल चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस श्री चक्र रिलेटेड मार्केट में। क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, तो उस रिजल्ट्स को देख के हम आपको बताएंगे कि आपको इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सकेंगे। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो वो भी हम आपके सामने जरूर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम बात करने वाले टीवीएस श्री चक्रा कंपनी के बारे में, तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देख के हम बताएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो टीवीएस श्री चक्रा कंपनी है उसका जो पूरा बिजनेस है वो टायर्स और ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर पूरा एंगेज है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है। उसके थ्रू कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रॉस्पर होता है, कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी उससे कमाती है। सो टीवीएस श्री चक्रा का जो क्वार्टरली थ्री रिजल्ट्स का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 200% बढ़कर हो चुका है ₹36 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। और जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी 11% बढ़कर हो चुका है ₹570 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। तो बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो सिर्फ बढ़ा है कितना, 11%, बट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑलमोस्ट 200% बढ़ी है और हो चुकी है ₹36 करोड़। तो इसको देख के आपको पता चली गया कि कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी काफ़ी सुधर गया है। तो उसके कारण जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड या फिर एक अच्छा खासा उछाल आपको उसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इस कंपनी के जो शेयर को अगर हम कंपेयर भी कर लें उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग के रेशियो के हिसाब से, तो सेक्टर पी निकल कर आता है 93.54 और इस शेयर का जो पी रेशियो है वो है 20.25, जो कि आपको बताता है कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यह शेयर आपको काफ़ी सस्ते भाव में अभी भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर का अगर पीबी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो है 4.18 के आसपास और इस शेयर का पीबी रेशियो है सिर्फ 2.23, जो कि सेक्टर के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे काफ़ी सस्ता है। और सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.68% और इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 0.92%। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1667 करोड़ और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 637। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन करें 2017 से लेकर 20 तक, तो हर साल कंपनी का जो बिजनेस है, जो कि रेवेन्यू है कंपनी का, उसमें आपको हर साल एक अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल पैंडेमिक होने के कारण कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, बट इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी ने लॉस जनरेट नहीं किया है, कंपनी एक मार्केट में मेंटेन रही और उसके कारण जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको भले ही डाउन ट्रेंड देखने को मिला है बट कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया है। 2019 से अगर 2020 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2.44 करोड़ के आसपास, जो कि 2020 में हो गया था 2.11 करोड़। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो था 2019 में 0.1 करोड़ जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका है, कम होकर हो चुका था 0.08 करोड़। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर करंटली मार्केट में, डेट इज टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है मार्केट में 2139 के आसपास ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। हालांकि इसका 5 ईयर का जो प्राइस हाई देखते हैं तो वो है 4340 के आसपास, जो कि आपको ऑलमोस्ट आपको एक 100% डिस्काउंटेड प्राइस के हिसाब से आपको अभी भी अवेलेबल मिल रहा है। अगर आपके पास सरप्लस फंड पड़ा हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म टारगेट बना सकते हो, 3100 का टारगेट आप इस शेयर में रख सकते हो। अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेनी हो तो आप इस शेयर में 2000 के लेवल पे आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ऑल दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसको 2100 के लेवल से भी आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि ऑलमोस्ट आपका जो डिसीजन होगा फाइनल वो तो आपके ऊपर ही होगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड कंपनी का जो क्वार्टरली थ्री रिजल्ट हमने आपके सामने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।